नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। इसराइल हमास जंग के बीच विपक्षी नेताओं और सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने नई दिल्ली में फलस्तीनी राजदूत से मुलाकात की। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने एक सुर में कहा कि हम फलस्तीनी लोगों के साथ हैं और इसराइल के विरोध का हमारा ऐतिहासिक नजरिया जारी रहेगा। हम लोग यहाँ फिलिस्तीनी आवाम की सॉलिडेरिटी में आए हैं। यहाँ जो हमारे देश में जो फिलिस्तीन के राजदूत हैं, उनके द्वारा हम भारत के की तरफ से फिलिस्तीन की आवाम को के साथ खड़े हुए नजर आना चाहते हैं कि वहां पर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसके साथ भारत खड़ा है, भारत के पार्लियामेंट के लोग खड़े हैं। इसके साथ ही तमाम नेताओं ने कहा कि आने वाले समय में उनकी पार्टी भी सड़कों पर उतरेगी। प्रतिनिधि मंडल ने इस संघर्ष के समाधान पर पहुंचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से प्रयास तेज करने को कहा है। प्रतिनिधि मंडल ने प्रस्ताव में कहा है कि दुनिया भर के देशों को इसराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने और फलस्तीनी लोगों के अधिकार और उनकी संप्रभुता का सम्मान करने के लिए दबाव डालना चाहिए। हम इसराइल द्वारा गाजा में फलस्तीनियों पर अंधाधुंध बमबारी की कड़ी निंदा करते हैं, जिसे हम नरसंहार का प्रयास मानते हैं। हम निर्दोष लोगों की जान, घरों तथा बुनियादी ढांचे के विनाश को रोकने का आग्रह करते हैं। प्रतिनिधि मंडल ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यूएन के प्रस्ताव के मुताबिक 1967 की सीमाओं पर एक स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य की स्थापना को मान्यता देने का भी आग्रह किया। प्रतिनिधि मंडल ने प्रस्ताव में कहा कि फलस्तीन की मान्यता इसराइल फलस्तीन संघर्ष का एक उचित और स्थायी समाधान है। इस प्रतिनिधि मंडल में बसपा सांसद कुंवर दानिश अली, कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री मणिशंकर अय्यर, राज्यसभा सांसद मनोज झा, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली, पूर्व राज्यसभा सांसद शाहिद सिद्दीकी, पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब, जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी, पूर्व मंत्री जेना श्रीकांत और सामाजिक कार्यकर्ता नदीम खान आदि शामिल थे। दीपांकर भट्टाचार्य, पूर्व सांसद डी राजा, सुभाषनी अली पूर्व सांसद। प्रतिनिधि मंडल में शामिल बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने कहा कि उन्होंने फलस्तीनी राजदूत से इसलिए मुलाकात की ताकि ये स्पष्ट हो सके कि भारत फलस्तीनियों के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट ने यह संदेश दिया था कि पूरा भारत इसराइल के साथ है। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। सच्चाई ये है कि भारत फलस्तीनियों के साथ खड़ा है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने एक पोस्ट में कहा था कि इसराइल में आतंकवादी हमलों की खबरों से गहरा सदमा पहुंचा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इसराइल के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि हमने बच्चों, बुजुर्गों और अस्पताल में इसराइल की कार्रवाई के खिलाफ फलस्तीनी राजदूत से मुलाकात की। वहीं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने बताया कि हमने फलस्तीनियों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए फलस्तीनी राजदूत से मुलाकात की। भारत परंपरागत रूप से फलस्तीनियों के साथ अच्छे संबंध साझा करता है। हम फलस्तीन के मित्र हैं। मुश्किल की इस घड़ी में जब इसराइल उन पर अत्याचार कर रहा है तो हम उनके साथ खड़े हैं। इसराइल और हमास का युद्ध इस कदर खतरनाक हो गया है कि दोनों तरफ किसी को सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। यहाँ तक कि इजरायली दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन और पीएम नेतन्याहू को डर के मारे बंकर में छुपना पड़ा था। पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन के बीच एक मीटिंग चल रही थी, तभी रॉकेट हमले का सायरन बजा और दोनों डर के मारे बंकर में छिप गए। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक कीजिए और मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली अपडेट के साथ जल्द ही मिलूंगी। शुक्रिया।